पेरेंट्स वेलकम टू चैनल पेरेंट्स एंड माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब हमारा नवजात बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उसके बॉडी पर आपने बहुत सारे बाल देखे होंगे। कुछ बच्चों के बहुत हल्के बाल होते हैं, कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, और कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चे की स्किन पर से इन बालों को हटाएं। देखिए, आपको अपने बच्चे के जो बालों को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपके बच्चे के शरीर पर बाल हैं, हल्के फुल्के बाल हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, और वो जरूरी बाल होते हैं जो कि बच्चे की बॉडी पर जन्म के समय आते हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में बाल हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि उनको हटाना चाहिए, तो कुछ तीन उपटन में आपको बताने वाली हूँ जिनको कि आप अपना कर अपने बच्चे के जो बॉडी के बालों को हटा सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि जब आपका बच्चा एक वीक या टू वीक का हो जाए, एक या दो हफ्ते बाद ही आपको ये उपटन करना है, उससे पहले आपको नहीं करना, क्योंकि उस समय बच्चा बहुत नाजुक होता है, सॉफ्ट होता है, तो आप अपने बच्चे की बॉडी पर उपटन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब दो तीन हफ्ते का आपका बच्चा हो जाता है, तब आप हल्के हल्के हाथों से आप बच्चे को बात देते समय इस उपटन को कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में आपको अपने बेबी की स्किन पर ये उपटन वगैरह नहीं करने है, क्योंकि वो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जन्म के समय बच्चे की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो आप कुछ भी अगर बच्चे की बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो वो बच्चे को रैशेस कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं जिस उपटन की है, वो है आप ले सकते हैं अपने बच्चे के लिए गेहूं का आटा। जी हाँ, गेहूँ का आटा बहुत अच्छा होता है, नेचुरल होता है, तो आप गेहूँ के आटे में चुटकी भर हल्दी बना सकते हैं, और गेहूँ के आटे को आप दूध में अच्छे से एक लोई बना लीजिए उसकी, क्योंकि दूध जो होता है वो नेचुरल क्लींजर होता है बॉडी, वो जो बच्चे की जो बॉडी है उसको एकदम सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है। तो आप गेहूं का आटा लीजिए, गेहूं के आटे में आप थोड़ा सा दूध बना सकते हैं, चुटकी और हल्दी बनाकर उसका पेस्ट बना लीजिए, और उस पेस्ट से आपको अपने बच्चे की पूरी बॉडी पर हल्के हल्के और लगा देना है। और जब आप उसका उपचार कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो आपको जो उल्टी डायरेक्शन में आपको बाल हटाने हैं, हाथ की, पैर की, फेस की, इस तरीके से, जिससे कि क्या होगा कि देखिए एक बार में तो ये बाल निकलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लिया और ये बाल निकल जाएंगे, आपको ये डेली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि जो रूट हेयर है, जो हेयर की रूट है वो वीक हो जाती है, और धीरे धीरे करने इस प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं तो जो बालों की जड़ है वो फंक्शन होकर बाल धीरे धीरे निकलने लगते हैं, तो इसको आप कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप गेहूं के आटे का जो लोई बनाकर पेस्ट बनाकर बच्चे को उपटन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और किसी भी प्रकार की बच्चे को स्किन एलर्जी नहीं होती है। स्टार्टिंग में जब आप शुरू कर रहे हैं, तब आप अपने बच्चे की जो पैर हैं, पैरों की तरफ करके देखें, सिर्फ पैरों पर ही करके छोड़ दें। स्टार्टिंग के 3 डेज आप जो गेहूं का उपटन आप बना रहे हैं, कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग के 3 डेज करें, और बच्चों के सिर्फ पैरों पर ही करके छोड़ दें। अगर इन 3 डेज में बच्चे को किसी प्रकार के रैशेज नहीं होते, कोई खूंसी या दाना नहीं निकलता, मीन्स बच्चे को फूड प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आगे आप उसको कंटिन्यू कर सकती है। दूसरा नंबर का जो पेस्ट है वो है बेसन का। जी हाँ, बेसन बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होता है बच्चे के बाल को हटाने के लिए, बच्चे के कलर को फेयर करने के लिए। तो आप सेम बेसन ले, और बेसन को आप दूध में उसका पेस्ट बना लें और बच्चे के पूरे शरीर पर लगा दें, फिर उसको उल्टी डायरेक्शन में आप इस तरह से मसलें, इस तरीके से, किस तरह से, तो जैसा मैंने बताया उल्टी डायरेक्शन में मसलने से बालों की जो जड़ है वो कब्ज होती है, धीरे धीरे करके बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आप बेसन और दूध का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। थर्ड है, जो कि बहुत अच्छा है और सिंपल भी है, कि आप जो मूंग दाल होती है, मूंग दाल का पेस्ट बना सकते हैं। मूंग दाल में हल्का सा हनी, आपको 1 स्पून उसमें हनी डालना है, मूंग दाल का पेस्ट और हनी, फिर उसको आप अपने बच्चे की बॉडी पर आप लगा सकती हैं, उससे भी बाल बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो ये 3 तरीके जो मैंने आपको उपटन बताए, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप अप्लाई कर सकती हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे के फेस पर या बॉडी पर बहुत ज़्यादा बाल है, तब ये आप कर सकती हैं। लेकिन आपको एक यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है
कि जब भी आप अपने बच्चे की बॉडी पर इस तरह के उपकरण अप्लाई कर रहे हो तो आप बहुत पर्फली अपने हाथों को ना इस्तेमाल करें, बहुत सॉफ्ट वे में आपको अपने बच्चे के शरीर पर इसको अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत टाइटली हैंड मूव नहीं करने, बहुत सॉफ्ट, इससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और बच्चा जब तक 3 2 3 वीक का ना हो जाए तब तक ये आपको अप्लाई नहीं करना। और जब भी आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो पहले पेस्ट टेस्ट जरूर कर लें। जब भी आप कोई भी उपकरण अपने अपने बेबी पर लगा रहे हैं तो 3 डेज बच्चे के पैरों पर ही करते देंगे। 3 डेज में अगर कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा, कोई रैशेज या फुंसी दाने नहीं निकल रहे, तो आप उसको फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लग रहा है कि ये करने के बाद बच्चे की स्किन रेड हो रही है, दाने निकल रहे हैं, रैसेस हो रहे हैं, तो आप उसको वहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर आपको वो प्रोसेस नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के शरीर के बालों को, फेस के बालों को हटा सकती हैं और आपके बच्चे की जो स्किन है वो एकदम स्मूथ रहेगी, एकदम नमीदार रहेगी, किसी प्रकार की रफनेस नहीं रहेगी। और जो बच्चे के बॉडी पर क्रेडल कैप होती है जो कि स्टार्टिंग डेज में होती है जब बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चे की बॉडी से जो स्किन निकलती है क्रेडल कैप होती है, फेस पर होती है, आईब्रोज फोरहेड पर बच्चे की क्रेडल कैप होती है जो कि देखने में बहुत ज्यादा गंदी लगती है। तो इस तरीके का उपटन आप अप्लाई करते हो बच्चे की बॉडी पर, तो ये उपटन से बच्चे की जो क्रेडल कैप है, जो डेड स्किन है बच्चे की बॉडी पर, वो भी धीरे धीरे करके निकल जाती है। तो डियर पेरेंट्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप भी ये जो ऑप्शन मैंने बताया वो आप अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन पैच टेस्ट जरूर करें। और बहुत छोटे बच्चे यानी 1 या 2 हफ्ते के बच्चे पर आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। कोशिश करें 3 4th वीक में आप ये धीरे धीरे स्टार्ट करें, तो उससे क्या होगा, क्योंकि उस समय तो बच्चे की जो जड़ होती है, बालों की जो जड़ होती है वो बहुत कमजोर होती है, रो अटैक में होते हैं, वो इजीली नहीं बन जाती। लेकिन जैसा बच्चा बड़ा हो जाता है उसके शरीर पर लोई भी होती है, उपटन नहीं करती है, तो वो जो बाल होते हैं वो कड़क हो जाती है, फिर वो निकलते नहीं है और वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, और बच्चा देखने में बच्चे के फेस पर वो बाल देखने में बड़े गंदे लगते हैं। तो स्टार्टिंग के डेज में अगर आप करती हो तो वो बड़े आसानी से निकल जाती है, बस आपको कुछ सावधानियां बरतनी है जो मैंने आपको बताई है, बहुत हार्ड नहीं करना। और स्टार्टिंग में आप चेक जरूर कर लें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, कोई रैशेज या दाने तो आपके बच्चे के नहीं निकल रहे। तो डियर मॉम एंड डियर पेरेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसको जितना हो सकता है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें। मैं इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।